हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजीजे और मैं आपका दोस्त अमजद ताहिर। दोस्तों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 5 सेकंड। दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला सवाल है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, भारत का पेरिस जयपुर शहर को कहा जाता है जो कि राजस्थान में है। हमारा दूसरा सवाल है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। हमारा तीसरा सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। हमारा चौथा सवाल है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी का संबंध किसके शासनकाल से है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी का संबंध गुप्त काल से है। हमारा पांचवा सवाल है, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त किए हैं? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त किए हैं। हमारा छठा सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी ने किसी एक दशक यानी 10 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? सही जवाब है, विराट कोहली 10 वर्ष में 20,000 रन बनाने वाले विश्व यानी संसार के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। हमारा सातवां सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। हमारा आठवां सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? अपना आंसर कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। हमारा नौवां सवाल है, दुनिया का पहला टेनिस स्टेडियम जो पानी के अंदर है किस देश में मौजूद है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। दुनिया का पहला टेनिस स्टेडियम जो पानी के अंदर है दुबई में मौजूद है। हमारा दसवां और आखिरी सवाल आपके लिए, आपकी आंखों का टेस्ट, तस्वीर में कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, गुड डे।